नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गजाला प्रवीण। हमें सांपों से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, ये कहना है फॉरेस्ट गार्ड का। अक्सर ऐसा होता है जब हम कोई सांप देखते हैं तो डर जाते हैं और सांप को मार देते हैं। लेकिन सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी लोग तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बिहार में किशनगंज जिले के तराई क्षेत्र के एक गाँव में वन रक्षक ने कोबरा फैमिली के एक बैंडेड करैत सांप का रेस्क्यू किया और रेस्क्यू के बाद फॉरेस्ट गार्ड ने लोगों को सांपों को ना मारने के लिए जागरूक किया। वीडियो को बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार सिंह ने शेयर किया है। ट्विटर पर इस वीडियो को अब तक करीब 7,000 से ज्यादा बार देखा जा चुका है। वीडियो रात का है जिसमें फॉरेस्ट गार्ड को ग्रामीणों से घिरा हुआ दिखाया गया है और एक शख्स ने एक थैला पकड़ा है जिसमें बचाए गए सांप को रखा गया है। वीडियो में दिखाई देने वाले वन रक्षक का नाम अनिल कुमार है, जो किशनगंज के फारिंगोला गाँव के लोगों से सांपों को ना मारने की अपील कर रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। फॉरेस्ट गार्ड कोबरा फैमिली के जहरीले सांप बैंडेड करैत को बचाने यहां आए थे। इस तरह के सांप तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। रेस्क्यू के दौरान अनिल कुमार ने वहां मौजूद ग्रामीणों को कहा कि हमें सांपों से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है। लोगों को समझाते हुए वन रक्षक कुमार ने कहा कि इंसानों की तरह सांप भी पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है और दोनों को एक साथ रहने की जरूरत है। उनके अस्तित्व के बिना पृथ्वी पर जीवन अधूरा है। साथ ही कुमार ने कहा कि बचाए गए सांप को मुक्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।